नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे 67वां आईपीएल मुकाबला जो खेले जाने वाला है मुंबई इंडियंस वर्सेज लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। दोस्तों, मुकाबला 17 मई को खेले जाने वाला है। 7:30 पर मैच स्टार्ट होगा वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई की पिच पर। तो दोस्तों, आज की हमारी फैंटेसी टीम किस प्रकार से बन सकती है, कौन से खिलाड़ी को दोस्तों हम कैप्टन लगा के चलें, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों हमारी जीएल टीम में वॉइस कैप्टन होना चाहिए, कितने ट्रंप प्लेयर दोस्तों हमें लखनऊ की टीम से देखने को मिलेंगे और कितने ट्रंप प्लेयर दोस्तों मुंबई की टीम से देखने को मिलेंगे, क्या दोस्तों आज के मैच में फिर से रोहित शर्मा फ्लॉप होगा या फिर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएगा, हम उस खिलाड़ी को कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं या फिर दोस्तों वो खिलाड़ी हमारी टीम में वो इस कैप्टन होना चाहिए, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों आज के मैच में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा, कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप होगा, यूनिक ग्रैंड लीग टीम किस प्रकार से बना सके चल सकते हैं, मिनी ग्रैंड लीग टीम किस प्रकार से होनी चाहिए, स्मॉल लीग टीम किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोस्तों हमारी ट्रंप कार्ड खिलाड़ियों के साथ साथ एक स्मॉल लीग टीम का। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखते चलना, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, आने वाली लगातार अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई की जो पिच है वो कैसी है, बैटिंग पिच है या फिर दोस्तों यहां पर बॉलिंग ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि पिच दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर पिच के अकॉर्डिंग दोस्तों फाइनली जीएल प्लस एसएल का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, और यहां पर अगर एक स्मॉल लीग टीम बना रहे हो तो स्मॉल लीग टीम में दोस्तों पिच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग दोस्तों 11 खिलाड़ी सेलेक्ट करने पड़ेंगे और 11 में से आपके 8 खिलाड़ी दोस्तों बिल्कुल सेफ होने चाहिए स्मॉल लीग टीम में। उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आपके 2 खिलाड़ी होने चाहिए थोड़े से रिस्की कि लगभग दोस्तों परफॉर्मेंस कर भी सकते हैं या फिर फ्लॉप भी हो सकते हैं, उस हिसाब के 2 खिलाड़ी होने चाहिए, और एक ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो बिल्कुल लो सिलेक्शन है, आज के मैच में कंप्लीट 4 ओवर करवाएगा या फिर दोस्तों बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करने आएगा, वो खिलाड़ी आपका ट्रंप प्लेयर होगा, और उसी खिलाड़ी की वजह से दोस्तों आप ग्रैंड लीग हो या फिर स्मॉल लीग हो स्मॉल लीग टीम में दोस्तों नॉन स्टॉप विन करके जाओगे, एक भी कॉन्टेस्ट नहीं हारोगे। अगर दोस्तों आपने ट्रंप कार्ड खिलाड़ी यूज नहीं किया तो स्मॉल लीग टीम में दोस्तों क्लैश होगा या फिर दोस्तों यहां पर आपकी एंट्री देखने को मिलेगी या फिर लगभग सभी के सभी कॉन्टेस्ट हार जाओगे, तो स्मॉल लीग टीम का कॉम्पिटिशन थोड़ा सा हाई देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों पिच के बारे में बात करें, पिच बैटिंग पिच है, टोटल इस पिच पर 117 आईपीएल मुकाबले खेले गए हैं, जो टीम दोस्तों यहां पर पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 53 मुकाबले जीते हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 64 मुकाबले विन किए हैं। एवरेज स्कोर की बात करें तो जो टीम दोस्तों यहां पर पहले बैटिंग करती है उसका एवरेज स्कोर लगभग 170 के करीब देखने को मिल सकता है। वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है वो बाउंड्री दोस्तों यहां पर थोड़ी सी छोटी देखने को मिलेगी, और बाद में जो टीम यहां पर बैटिंग करती है उसके लिए दोस्तों यहां पर विनिंग चांसेस थोड़े से बनते हैं, क्योंकि इस पिच पर दोस्तों फैक्टर थोड़ा सा बनता है, इसी के कारण दोस्तों स्पिनर्स को भी यहां पर ठीक ठाक हेल्प मिल जाती है, क्योंकि स्पिनर्स ने दोस्तों लास्ट के जो 5 मैचेस यहां पर खेले हैं उसमें 13 विकेटें मिली है। अगर दोस्तों जो भी टीम पहले यहां पर बैटिंग करेगी उसी टीम के स्पिनर आपको ट्राई करके चलने हैं, जो टीम चेस करने आएगी और जो टीम बाद में बॉलिंग करवा रही है यहां पर। अगर मान के चलते हैं दोस्तों मुंबई की टीम अगर इस पिच पर पहले बॉलिंग करवा रही है तो पीयूष चावला आपके टीम में ट्रंप कार्ड खिलाड़ी होगा, अगर मुंबई की टीम बाद में बॉलिंग करवा रही है तो पीयूष चावला को दोस्तों ड्रॉप करके चल सकते हो, फिर आपकी टीम में पेसर्स होने चाहिए, क्योंकि पेसर्स ने दोस्तों यहां पर लास्ट के 5 मैचों में 50 विकेटें निकाली है, लगभग पर मैच पेसर्स 10 विकेट यहां पर लेके जा रहे हैं। उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न 150 से नीचे 27 बार स्कोर, 150-170 के बीच में भी 27 बार स्कोर है, 170-190 के बीच में 35 बार स्कोर है, 190 से ऊपर इस पिच पर 28 बार स्कोर देखने को मिला है। पिच की कंडीशन दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी, एक चीज तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, जहां पर जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी उसका स्पिनर आपकी टीम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, प्लस में दोस्तों ट्रंप कार्ड खिलाड़ी भी होगा। बात करेंगे दोस्तों रीसेंट मैचों के बारे में, जो रीसेंट में यहां पर आईपीएल मुकाबले खेले गए हैं उसमें किस प्रकार का परफॉर्मेंस हुआ है, तो सनराइज हैदराबाद वर्सेज मुंबई इंडियंस के बीच में मैच खेला गया जिसमें 3 विकेट स्पिनर्स को, 8 विकेट पेसर्स को, फिर दोस्तों केकेआर और मुंबई के बीच में मैच खेला गया, इस मैच में दोस्तों स्पिनर्स ने 5 विकेट निकाली है और पेसर्स ने 14 विकेटें निकाली है। उसके बाद 2024 में सीएसके वर्सेज मुंबई के बीच में यहां पर सीएसके की टीम ने मैच को विन किया था, 9 विकेट पेसर्स को मिली थी, 1 विकेट दोस्तों यहां पर स्पिनर्स को मिली। उसके बाद आरसीबी मुंबई के बीच में मुकाबला खेला गया, 2 विकेट दोस्तों यहां पर स्पिनर को मिली, 9 विकेट यहां पर पेसर्स को मिली, यानी कि दोस्तों पेसर्स हर मैच में काफी तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और पेसर्स हमारी टीम में इंपॉर्टेंट होंगे। उसके साथ दोस्तों बात कर लेते हैं हेड टू हेड के, लास्ट के जो 5 मैचेस दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं उसमें दोस्तों लखनऊ की टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं, मुंबई की टीम ने 1 मुकाबला विन किया है, रिसेंट में दोस्तों 5 में से 1 ही मुकाबला यहां
जहां पर मुंबई की टीम ने विन किया है और रिसेंट के 5 में से दोस्तों लखनऊ की टीम ने भी एक ही मुकाबला विन किया है। तो दोस्तों क्या आज के मैच में फिर से केएल राहुल फ्लॉप होगा या फिर हम उस खिलाड़ी को अपनी टीम में ट्राई करके चलें, क्योंकि विकेट कीपर ऑप्शन काफी ज्यादा है। मुंबई की टीम से दोस्तों ईशान किशन है और लखनऊ की टीम से दोस्तों निकोलस पूरन है, उसके साथ क्विंटन डिकॉक है, उसके साथ दोस्तों केएल राहुल है। 3 विकेट कीपर ऑप्शन यहां पे है, 1 विकेट कीपर ऑप्शन दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा। टोटल 4 विकेट कीपर है, लगभग 2 ही खिलाड़ी परफॉर्मेंस करेंगे, या तो दोस्तों ईशान किशन परफॉर्मेंस करेगा या फिर केएल राहुल, दोनों टीमों से। अगर दोस्तों बात करें क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन की, निकोलस पूरन दोस्तों पिछले मैच में ट्रंप कार्ड खिलाड़ी था। बात करेंगे मुंबई इंडियंस के फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में, क्या प्लेइंग 11 है, कौन सा खिलाड़ी कहां पे बैटिंग करता है। तो सबसे पहले दोस्तों ओपनिंग बैट्समैन ईशान किशन, रोहित शर्मा, नमन उसके साथ, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टीम डेविड और दोस्तों यहां पर अंशुल कंबोज, उसके साथ पीयूष सावला, जसप्रीत बुमराह और नुवन तुसारा। ये दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से, कौन सा खिलाड़ी रिसेंट में किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मुंबई इंडियंस की तरफ से दोस्तों सबसे पहले ओपनिंग बैट्समैन यहां पर ईशान किशन की बात करें तो रिसेंट वाले मैच में 40 रन बनाए थे और कंटिन्यू ये खिलाड़ी 2 मैचों से फ्लॉप था, फिर यहां पर 32 रन, उसके बाद 20 रन। अगर दोस्तों यहां पर मुंबई की टीम पहले बैटिंग करती है तो यहां पर दोस्तों रोहित शर्मा का काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों रीसेंट के मैचों के हिसाब से बात करें तो रोहित शर्मा की तरफ से दोस्तों इतना बड़ा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, एक ही मैच में शतक देखने को मिला था सीएसके की टीम के खिलाफ। बाकी दोस्तों हर मैच में रोहित शर्मा कंटिन्यू फ्लॉप चल रहा है और बाकी दोस्तों T20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होने वाला है और इस वजह से दोस्तों रोहित शर्मा आज के मैच में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है और लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है तो कैप्टनसी में ट्राई के चलना है। लगभग दोस्तों ये खिलाड़ी 60 प्लस रन आज के मैच में निकालने वाला है अगर पहले बैटिंग करती है मुंबई की टीम। रिसेंट में 19 रन, फिर 4 रन, 11 रन, 4 रन, 8 रन, हेड टू हेड में दोस्तों 97 रन है, टोटल 19 का एवरेज स्कोर, ग्राउंड पे दोस्तों 34 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल में 29 का एवरेज स्कोर है। ईशान किशन की बात करें तो रिसेंट में दोस्तों इस खिलाड़ी ने 40 रन का परफॉर्मेंस किया था, ट्रंप कार्ड खिलाड़ी था, हेड टू हेड में दोस्तों 25 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे 24 का एवरेज स्कोर, आईपीएल में 29 का एवरेज स्कोर। दोनों खिलाड़ियों की बात करें तो विकेट कीपिंग दोस्तों ईशान किशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोहित शर्मा आज की टीम का ट्रंप कार्ड खिलाड़ी है, बहुत ही लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है। उसके साथ दोस्तों नमनदीप रिसेंट में यहां पर 17 रन, उसके बाद फ्लॉप है, फिर 11-0-30 हेड टू हेड में पहला मुकाबला है, ग्राउंड पे लगभग दोस्तों नमन फ्लॉप होता है, 3 मैचों में टोटल 11 रन है, 3 का एवरेज स्कोर, ग्राउंड पे दोस्तों 13 का एवरेज स्कोर है, सॉरी आईपीएल में 13 का एवरेज स्कोर है और ग्राउंड पे 3 का एवरेज स्कोर है। आईपीएल फॉर्मेट की बात करें टोटल 4 ही मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेले हैं, 78 रन का परफॉर्मेंस है। उसके साथ दोस्तों सूर्य कुमार यादव रिसेंट वाले मैच में 11 रन, उसके बाद 102 रन नाबाद, फिर यहां पर 56 रन, फिर दोस्तों 10 रन, उसके बाद 26 रन। पिच के हिसाब से बात करें तो सूर्य कुमार यादव का इस पिच पर बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और लगभग दोस्तों ये खिलाड़ी नंबर 3 पे बैटिंग करता है। नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए सूर्य कुमार यादव की जो बैटिंग है बहुत ही खतरनाक देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों अब रिसेंट में नंबर 4 पे बैटिंग ऑर्डर सूर्य कुमार यादव का है। हेड टू हेड में दोस्तों 18 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे 40 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल में 33 का एवरेज स्कोर है। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो सीवीसी में दोस्तों सेफ कैप्टन, वॉइस कैप्टन की आप यहां पर सूर्य कुमार यादव के साथ जा सकते हो अगर कोई भी सेफ सीवीसी ट्राई करना चाहता है तो। उसके साथ दोस्तों तिलक वर्मा का दोस्तों कंफर्म है, कंटिन्यू ड्रीम टीम में ये खिलाड़ी देखने को मिल रहा है, एक ही मैच में यहां पर फ्लॉप है, 4 रन, उसके बाद 7 रन, बाकी के दोस्तों कंटिन्यू मैचों में इस खिलाड़ी ने 30 प्लस का परफॉर्मेंस किया है, कंटिन्यू ड्रीम टीम में है और सीवीसी में दोस्तों बढ़िया च्वाइस नहीं है ये पहले ही बता देता हूं, लेकिन ड्रीम टीम में ये खिलाड़ी कंफर्म देखने को मिल ही जाता है। लगभग दोस्तों 10 मैचों में 9 बार तो ये खिलाड़ी ड्रीम टीम में मिलता है, 9 बार नहीं तो 8 बार तो दोस्तों 100% ड्रीम टीम में मिल ही जाता है रिसेंट के कुछ मैचों से। हेड टू हेड में दोस्तों 4 मैचों में 24 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे 31 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल में दोस्तों 41 का एवरेज स्कोर है। उसके साथ हार्दिक पांड्या रिसेंट में 2 रन 0 विकेट, उसके बाद 3 विकेट, फिर यहां पर 1 रन 2 विकेट, फिर यहां पर 2 विकेट, 46 रन 0 विकेट। हेड टू हेड में दोस्तों 5 मैचेस खेल चुका है, टोटल 135 रन, 27 का एवरेज स्कोर, प्लस में 2 विकेट, ग्राउंड पे दोस्तों 30 विकेट है, 27 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल में 64 विकेट है, 29 का एवरेज स्कोर, बैटिंग से है। वीसी में ट्राई करके चल सकते हो हार्दिक पांड्या को क्योंकि रिसेंट में बॉलिंग भी करवा रहा है, प्लस में दोस्तों बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो बैटिंग से इतना खास
खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन बॉलिंग की बात करें तो लगभग 3 से 4 ओवर कंप्लीट करवाता है, 1-2 विकेट मिलने के चांसेज हैं, 30-35 पॉइंट दोस्तों निकाल सकता है, क्योंकि एक मैच में यहां पर 3 विकेटों के साथ परफॉर्मेंस किया था, उस वाले मैच में बहुत ही लो सिलेक्शन था हार्दिक पांड्या का, और दोस्तों ड्रीम टीम में ये खिलाड़ी देखने को मिला था। उसके साथ दोस्तों बात करेंगे टीम डेविड की, रिसेंट में फ्लोप है, फिर बैटिंग नहीं, 24 रन 35 रन नाबाद, 37 रन 0 रन सॉरी 3 रन, हेड टू हेड में 80 रन है, ग्राउंड पे 40 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल में 30 का एवरेज स्कोर है। टीम डेविड को अभी के लिए ड्रॉप ही करके चलता हूं, क्योंकि बहुत ही रेयर चांसेस है कि टीम डेविड की बैटिंग देखने को मिले, अगर बैटिंग आती है तो बहुत ही नीचे बैटिंग ऑर्डर है, वहां पे दोस्तों बॉलिंग ऑर्डर के साथ बैटिंग करना पड़ता है टीम डेविड को, और फिर अगर इस खिलाड़ी की बैटिंग आ भी जाती है तो इतना खास परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को नहीं मिला है, एक भी विनिंग मैच दोस्तों इस खिलाड़ी ने अभी तक नहीं करवाया कंटिन्यू। दोस्तों इस खिलाड़ी ने लगभग 30 रन या फिर 35 रन बना के या तो विकेट गवा दी या फिर दोस्तों ये मैच को हरवा के आया है, बाकी दोस्तों इस खिलाड़ी की तरफ से इतना खास परफॉर्मेंस नहीं, अभी के लिए मैं ड्रॉप ही करके चलूंगा। उसके साथ अंशुल कंबोज रिसेंट में 1 विकेट कंटिन्यू दोस्तों, 1-1 विकेट है, ट्रंप कार्ड खिलाड़ी है, हेड टू हेड में पहला मुकाबला, ग्राउंड पे 1 विकेट 2 विकेट आईपीएल में, अंशुल कंबोज का बहुत ही लो सिलेक्शन है। उसके साथ दोस्तों पीयूष सावला का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर दोस्तों मुंबई की टीम पहले बॉलिंग करवाती है तो पीयूष सावला को लेके चलना है, अगर बाद में बॉलिंग करवाती है तो ड्रॉप करके चल सकते हो। रिसेंट के कंटिन्यू 2 मैचों में दोस्तों जबरदस्त परफॉर्मेंस है, हेड टू हेड में 2 विकेट, ग्राउंड पे 16 विकेट, आईपीएल में दोस्तों 189 विकेट निकाल चुका है टोटल 190 मैचों में से। उसके साथ दोस्तों बात करेंगे यहां पर जसप्रीत बुमराह, रिसेंट में 2 विकेट, उसके बाद 1 विकेट, फिर दोस्तों यहां पर 3 विकेट, हेड टू हेड में 3 मैचों में 1 विकेट, ग्राउंड पे 50 विकेट, आईपीएल में दोस्तों 165 विकेट यहां पर जसप्रीत बुमराह ने निकाली हुई है, यानी कि कंटिन्यू, अगर कंटिन्यू इस खिलाड़ी की बात करें तो यहां पर भी दोस्तों वीसी में जिसने ट्राई करके गया था काफी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला था, यहां पर भी दोस्तों वीसी में ये खिलाड़ी लगभग चांसेस बन गए थे, बाकी यहां पर 1 विकेट के साथ दोस्तों परफॉर्मेंस करेगा, बाकी दोस्तों यहां पर 50 विकेट इस ग्राउंड पे निकाली हुई है, तो पिच का अनुमान है कि कहां पे बॉलिंग करवानी है, कहां पे मुझे विकेट मिलेगी, बाकी दोस्तों ये खिलाड़ी आपके टीम में सेफ खिलाड़ी है। उसके साथ नुआन तुसारा, रिसेंट वाले मैच में दोस्तों 1 विकेट, उसके बाद यहां पर जी फ्लोप है, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, उसके बाद फिर से फ्लोप, हेड टू हेड में 1 मैच खेला हुआ है, 1 ही विकेट है, ग्राउंड पे 3 विकेट, आईपीएल में 5 विकेट, अभी के लिए दोस्तों ड्रॉप करके चलूंगा। ये दोस्तों फाइनली आपको यहां पर मुंबई इंडियंस के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों इनके स्टार्टिंग और डेथ में जो खिलाड़ी बॉलिंग करवाता है, स्टार्टिंग में दोस्तों यहां पर नुआन तुसारा, जसप्रीत बुमराह, अंशुल कंबोज, डेथ में दोस्तों नुआन तुसारा, जसप्रीत बुमराह और पीयूष सावला, हार्दिक पांड्या, ये दोस्तों स्टार्टिंग और डेथ में जो खिलाड़ी बॉलिंग करवाता है वो खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों यहां से जो बेंच प्लेयर हैं, क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा चेंजमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कोइट जी है, रिसेंट वाले मैच में फ्लोप है, फिर 1 विकेट, मतलब आज के मैच में खेलेगा तो 1 या 2 विकेट के साथ परफॉर्मेंस करेगा, हेड टू हेड में 1 ही विकेट है, ग्राउंड पे 6 विकेट, आईपीएल में 13 विकेट। उसके साथ दोस्तों श्रेयस गोपाल, रीसेंट के कंटिन्यू मैचों में परफॉर्मेंस, हेड टू हेड में दोस्तों पहला मुकाबला, 4 विकेट, ग्राउंड पे 52 विकेट आईपीएल में। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड, यहां पर ब्रेविस, नेहाल वडेरा की बात करें तो हेड टू हेड में दोस्तों 28 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे 19 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल में 24 का एवरेज स्कोर है। मुंबई इंडियंस के ये फाइनल बेंच प्लेयर या फिर इंपैक्ट प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों जो प्लेयर बैटल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्लेयर बैटल के हिसाब से दोस्तों यहां पर पता लगेगा कि कौन सा खिलाड़ी फ्लोप हो सकता है आज के मैच में। अगर दोस्तों अमित मिश्रा खेलता है तो यहां से दोस्तों आपको रोहित शर्मा को ड्रॉप करके चलना है, क्योंकि 7 बार आउट कर चुका है यहां से अमित मिश्रा, 2 बार दोस्तों बिश्नोई, 1 बार मोहसिन खान, 1 बार नवीन, 1 बार कुणाल पांड्या। अगर यहां से बात करें ईशान किशन की तो 4 बार दोस्तों रवि बिश्नोई आउट कर चुका है, 3 बार अमित मिश्रा, 1 बार यश ठाकुर, 1 बार स्टोइनिस, तिलक वर्मा को नवीन 1 बार आउट कर चुका है, सूर्य कुमार यादव को फिर से दोस्तों बिश्नोई 3 बार आउट कर चुका है, 2 बार यहां से स्टोइनिस, 1 बार यश ठाकुर और 1 बार दोस्तों नवीन। यहां से हार्दिक पांड्या को 2 बार स्टोइनिस, 2 बार अमित मिश्रा, उसके बाद 1 बार दोस्तों कुणाल पांड्या, 1 बार नवीन, 1 बार मोहसिन खान। तो यहां से दोस्तों रवि बिश्नोई की बात करें, ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। अगर दोस्तों यहां पर लखनऊ की टीम पहले बॉलिंग करवाती है तो भी बिश्नोई को ट्राई करके चलना है, अगर बाद में बॉलिंग करवाती है तो भी दोस्तों बिश्नोई को ट्राई करके चलना है, क्योंकि ये खिलाड़ी आपकी टीम में ट्रंप कार्ड खिलाड़ी होगा, बहुत ही लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है। उसके साथ दोस्तों बात करेंगे यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में, तो ओपनिंग बैट्समैन दोस्तों केएल राहुल, उसके साथ क्विंटन डिकॉक, स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, निकोलस पोरन, आयुष बदोनी, उसके साथ कुणाल पांड्या और यहां पर अरशद खान, फिर दोस्तों यश ठाकुर, वाइसिंग, फिर बिश्नोई है, उसके साथ नवीन। ये दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से। ये दोस्तों युद्धवीर सिंह, ये फाइनल प्लेइंग 11 है, यहां से स्टोइनिस
इनिंग्स की बात करें, नंबर तीन पे बैटिंग करेगा, चांसेस बन सकते हैं दोस्तों। ये खिलाड़ी आपके टीम में ट्रंप कार्ड खिलाड़ी भी देखने को मिले। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं यहां से प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से, कौन सा खिलाड़ी क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। केएल राहुल की बात करें तो रिसेंट के कुछ मैचों से दोस्तों ये खिलाड़ी फ्लॉप है, बाकी के मैचों में दोस्तों काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। यहां पर 5 रन, फिर 29, 25, 28 और 76 कंटिन्यू दोस्तों 3 मैचों से इस खिलाड़ी ने 20 प्लस से ज्यादा स्कोर देखने को नहीं मिला है। यहां पर 76 रन है, लेकिन दोस्तों यहां पर मुंबई इंडियंस के सामने केएल राहुल का जो परफॉर्मेंस है काफी तगड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि 81 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे 72 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल में 46 का एवरेज स्कोर है। कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनसी में केएल राहुल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच में, क्योंकि केएल राहुल का बहुत ही लो सिलेक्शन है। कंटिन्यू ये खिलाड़ी फ्लॉप चल रहा है, लेकिन दोस्तों हेड टू हेड प्लस वेन्यू दोनों फॉर्मेट में बहुत ही तगड़ी बैटिंग करता है, क्योंकि 81 का एवरेज स्कोर हेड टू हेड में है, 72 का एवरेज स्कोर ग्राउंड पे है, आईपीएल में 46 का एवरेज स्कोर है, 4,626 रन दोस्तों यहां पर केएल राहुल ने कंप्लीट किए हुए हैं। उसके साथ क्विंटन डिकॉक रिसेंट में 12, 2, 8, 0, 54 हेड टू हेड में 8 मैचों में 141 रन, 17 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, ग्राउंड पे दोस्तों 12 मैचों में 33 का एवरेज स्कोर, आईपीएल में 32 का एवरेज स्कोर। क्विंटन डिकॉक लगभग दोस्तों लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, और लगभग हर टीम में अगर 10 टीमें बना रहे हो ग्रैंड लीग टीम की, या फिर दोस्तों 5 टीमें बना रहे हो, तो हर टीम में एक खिलाड़ी ऐसा होना चाहिए ओपनिंग बैट्समैन में जिसका बहुत ही लो सिलेक्शन हो। क्विंटन डिकॉक की बात करें तो रिसेंट के कुछ मैचों से फ्लॉप है, अगर ये खिलाड़ी 54 रन का परफॉर्मेंस कर गया है तो ये खिलाड़ी दोस्तों आपको एक तरफा मैच को विन करवा के देगा। प्लस में दोस्तों जो आपकी ग्रैंड लीग की जो रैंके हैं काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। स्टोइनिस का हाई सिलेक्शन है कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनसी में, और कंटिन्यू 2 मैचों में फ्लॉप है। यहां पर 1 विकेट, फिर 62 रन 1 विकेट, फिर 36 रन 0 विकेट। आज के मैच में कन्फर्म बॉलिंग करवाएगा, क्योंकि हेड टू हेड में 13 विकेट है, ग्राउंड पे अभी तक 1 ही विकेट मिली है, लेकिन आईपीएल में 43 विकेट ले चुका है, 28 का एवरेज स्कोर बैटिंग से। दीपक हुड्डा रिसेंट में फ्लॉप, हेड टू हेड में 22 का एवरेज स्कोर, 2 विकेट दोस्तों ग्राउंड पे, 10 विकेट आईपीएल में निकाल रखी है, 1,454 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं टोटल 19 के एवरेज स्कोर से। दीपक हुड्डा को दोस्तों मैं अभी के लिए ड्रॉप ही करके चलूंगा, क्योंकि कंटिन्यू इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, इसकी जगह आयुष बदोनी को ट्राई करके चल सकते हो, या फिर निकोलस पुरन आपकी टीम में इंपॉर्टेंट होगा। रिसेंट के मैच में दोस्तों 61 रन है, उसके बाद 48 रन नाबाद, 10 रन 14 रन नाबाद, 11 रन हेड टू हेड में, 7 मैचों में दोस्तों 132 रन है, 26 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, ग्राउंड पे दोस्तों 10 का एवरेज स्कोर है, और आईपीएल में दोस्तों 32 का एवरेज स्कोर है। निकोलस पुरन का लगभग हाई सिलेक्शन है, हर मैच में दोस्तों ये खिलाड़ी परफॉर्मेंस करता है, अगर थोड़ा सा जल्दी बैटिंग देखने को मिल जाती है निकोलस पुरन की तो वीसी में भी देखने को मिल सकता है, जिस तरह पिछले मैच में कैप्टनसी में देखने को मिला था। उसके साथ आयुष बदोनी रिसेंट वाले मैच में 6 रन, उसके बाद 55 रन नाबाद, हेड टू हेड में 7 का एवरेज स्कोर, ग्राउंड पे 24 का एवरेज स्कोर, आईपीएल में 2 विकेट, 24 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, और यहां पर दोस्तों दीपक हुड्डा की जगह आयुष बदोनी को ट्राई करके चल सकते हो। उसके साथ बात करेंगे कुणाल पांड्या की। कुणाल पांड्या दोस्तों पिच पे काफी अच्छी बॉलिंग करवाता है, क्योंकि 25 मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेले हैं, 23 विकेट है, 24 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, ऑलराउंडर में दोस्तों ट्रंप कार्ड खिलाड़ी है। हार्दिक पांड्या के साथ कुणाल पांड्या को ट्राई करके चलना है। 3 विकेट दोस्तों यहां पर हेड टू हेड में है, 18 रन रिसेंट में, 0 विकेट, 24 रन, 5 रन, 0 विकेट, 1 रन नाबाद, 15 रन नाबाद प्लस में, 0 विकेट। उसके साथ दोस्तों अरशद खान रिसेंट वाले मैच में 58 रन नाबाद बनाए थे, प्लस में दोस्तों 1 विकेट में निकाली थी, कैप्टनसी में यूनिक खिलाड़ी था, और हमने अपनी स्मॉल लीग टीम में इस खिलाड़ी को पिक किया था। 58 रन दोस्तों नाबाद प्लस में 1 विकेट, क्योंकि कैप्टनसी में देखने को मिला था, हेड टू हेड में पहला मुकाबला है, ग्राउंड पे 3 विकेट, 2 रन इस खिलाड़ी ने टोटल ग्राउंड पे बनाए हैं, 6 विकेट ले चुका है आईपीएल में, और 33 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, क्योंकि रिसेंट में 58 रन नाबाद बना के आ रहा है, क्योंकि ये खिलाड़ी दोस्तों बैटिंग भी कर लेता है, प्लस में बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस करके देगा। उसके साथ दोस्तों युद्धवीर सिंह रिसेंट में फ्लॉप, उसके बाद 1 विकेट, कंटिन्यू 1-1 विकेट है, हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मुकाबला होगा, आईपीएल में दोस्तों 4 विकेट, बिश्नोई इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, हेड टू हेड में 10 विकेट है, रिसेंट वाले मैच में भी 1 विकेट, उसके बाद फ्लॉप है, फिर कंटिन्यू 1-1 विकेट, ग्राउंड पे 2 विकेट, आईपीएल में दोस्तों 61 विकेट, और रवि बिश्नोई को पिक करके चलना है, क्योंकि प्लेयर बैटल में ईशान किशन के सामने भी काफी अच्छा प्लेयर बैटल है, और यहां से सूर्य कुमार यादव के सामने भी है, रोहित शर्मा के भी सामने है, लगभग 3 जो ओपनिंग बैट्समैन है उनके सामने प्लेयर बैटल दोस्तों बिश्नोई का बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। उसके साथ यहां पर बात करेंगे फाइनल बॉलर नवीन उलग, रिसेंट वाले मैच में 2 विकेट, उसके बाद दोस्तों फ्लॉप है, फिर 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, हेड टू हेड में 5 विकेट, ग्राउंड पे पहला मैच, आईपीएल में दोस्तों 23 विकेट यहां पर नवीन ने निकाली हुई है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, प्लस में वीसी में ट्राई करके चल सकते हो। लगभग दोस्तों अभी के लिए लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, लेकिन कंटिन्यू ये खिलाड़ी हर मैच में ड्रीम टीम में देखने को मिला है, एक ही मैच में ये खिलाड़ी फ्लॉप है। तो दोस्तों यहां से फाइनल लखनऊ सुपर जायंट्स के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस
इंस्टेंस कंप्लीट होते हैं, बाकी बेंच प्लेयर या फिर इंपैक्ट प्लेयरों के बारे में बात करें, स्टार्टिंग में दोस्तों अरशद खान और मोहसिन खान, युद्धवीर सिंह और यहां से नवीन आपको स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी डेथ में दोस्तों युद्धवीर सिंह, नवीन उलग, उसके साथ मोहसिन खान, अरशद खान, ये खिलाड़ी दोस्तों स्टार्टिंग प्लस डेथ में बॉलिंग करवाएंगे। बाकी दोस्तों इनके जो इंपैक्ट प्लेयर हैं या फिर बेंच प्लेयर, जो कि एक दो खिलाड़ी अपडेट हो सकता है, यहां से देवदत्त है, कृष्णप्पा गौतम है रिसेंट में 0 विकेट, मोहसिन खान अपडेट हो सकता है हेड टू हेड में 5 विकेट, ग्राउंड पे भी 5 विकेट है, 26 विकेट आईपीएल में, यश ठाकुर, उसके साथ दोस्तों यहां पर अमित मिश्रा या फिर सिद्धार्थ, कोई भी फाइनल खिलाड़ी अगर अपडेट होगा वो अपडेट दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिली जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। उसके साथ बात करेंगे प्लेयर बैटल के बारे में। केएल राहुल को दोस्तों 2 बार आउट कर चुका है जसप्रीत बुमराह, 2 बार पीयूष चावला, 1 बार हार्दिक पांड्या, क्विंटन डिकॉक को दोस्तों 2 बार पीयूष चावला, 1 बार बुमराह, 1 बार श्रेयस गोपाल, दीपक हुड्डा को जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या 1-1 बार, स्टोइनिस को 3 बार जसप्रीत बुमराह, 1 बार दोस्तों श्रेयस गोपाल, 1 बार मोहम्मद नबी, और निकोलस पुनन को 2 बार जसप्रीत बुमराह, 1 बार दोस्तों आकाश मधवाल, और आयुष बदोनी को 1 बार आकाश मधवाल। लगभग 5 खिलाड़ियों के सामने प्लेयर बैटल में दोस्तों जसप्रीत बुमराह टॉप पे देखने को मिल रहा है, तो कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनशिप में ट्राई करके चल सकते हो क्योंकि मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है, मुंबई की टीम इस पिच पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी। उसके साथ दोस्तों बात कर लेते हैं जो फाइनली हाई सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है प्लस में ट्रंप कार्ड खिलाड़ी, ट्रंप में दोस्तों तिलक वर्मा, प्लस में पीयूष चावला, दोनों का मैंने आपको बताया है, कुणाल पांड्या, बिश्नोई, कुणाल पांड्या को पिक करके चलना है, ऑलराउंडर में बिश्नोई इंपोर्टेंट प्लेयर है, प्लेयर बैटल में काफी नाम देखने को मिला है। हाई सिलेक्शन में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, स्टोइनिस, निकोलस पुरन, नवीन, ये खिलाड़ी दोस्तों हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी मिलेंगे और ये 4 खिलाड़ी दोस्तों आज के मैच के ट्रंप प्लेयर हैं। बाकी दोस्तों मेरी जो आज की फाइनल फैंटेसी टीम रहेगी उसमें मैंने क्या कॉम्बिनेशन बनाया है, यहां से रोहित शर्मा को पिक किया है या फिर ड्रॉप किया है, एक टीम में दोस्तों यहां पर आपको नजर आ जाएगा रोहित शर्मा, और यहां पर कैप्टन मैंने ट्राई किया है सूर्य कुमार यादव, यहां पर भी कैप्टनसी सूर्य कुमार यादव, वॉइस कैप्टनसी में स्टोइनिस, अंशुल कंबोज, नवीन, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह, अरशद खान, यहां पर भी अरशद खान, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, वीसी, स्टोइनिस दोस्तों पिक किया हुआ है, तिलक वर्मा है, और ईशान किशन, निकोलस पुरन, केएल राहुल यहां पर भी है, निकोलस पुरन, ईशान किशन कैप्टनसी में दोस्तों यहां से केएल राहुल को ट्राई करके चल सकते हो। ये 2 फाइनल फैंटेसी टीम है और दोस्तों यहां पर सीवीसी ऑप्शन में जो अच्छा चॉइस है लगभग लो सिलेक्शन वाला रोहित शर्मा रहेगा, अगर पहले बैटिंग करती है यहां पर मुंबई की टीम तो शायद दोस्तों ये खिलाड़ी परफॉर्मेंस करके जाएगा, बहुत ही लो सिलेक्शन है, जसप्रीत बुमराह को सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों यहां से बिश्नोई आपकी टीम में होना चाहिए, कुणाल पांड्या आपकी टीम में होना चाहिए, चाहे दोस्तों आप यहां से हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करके चल सकते हो या फिर स्टोइनिस को ड्रॉप करके चल सकते हो क्योंकि दोनों का हाई सिलेक्शन है और यहां से कुणाल पांड्या का लो सिलेक्शन है, अगर परफॉर्मेंस कर गए तो एक तरफा ग्रैंड लीग टीम में काफी बढ़िया रैंक दिलवाएगा। तो ये दोस्तों फाइनल फैंटेसी टीम देखने को मिलेगी, बाकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक करके रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आने वाले लगातार अपडेट के लिए। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।